बिहार में दही चूड़ा भोज के जरिए नए सियासी समीकरणों को गढ़ने की परंपरा 26 साल बाद टूट गई। कोरोना संक्रमण के दौर में इस बार सियासी गलियारों में मकर संक्रांति पर दही चूड़ा भोज का आयोजन नहीं होगा, न ही राजनीतिक दलों के बीच गहमा गहमी देखी जा सकेगी। आरजेडी प्रमुख लालू यादव और उनकी पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह के भोज की कमी खलेगी। बिहार में दही चूड़ा भोज की शुरुआत लालू प्रसाद ने 1994 में 95 में की थी, तब वे मुख्यमंत्री थे। लालू प्रसाद यादव ने आम लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए दही चूड़ा भोज का आयोजन शुरू किया। इसकी खूब चर्चा हुई, फिर यह आरजेडी की परंपरा बन गई। चारा घोटाले में उनके जेल जाने के बाद पार्टी ने यह परंपरा कायम रखी। हालांकि इस बार न तो आरजेडी कार्यालय में और न ही राबड़ी देवी आवास पर दही चूड़ा भोज का आयोजन हो रहा है। हाँ, लालू प्रसाद यादव ने मकर संक्रांति को लेकर सोशल मीडिया के जरिए पार्टी के लिए संदेश जरूर जारी किया है। उन्होंने अपने विधायकों और पार्टी के अन्य नेताओं को गरीबों को दही चूड़ा खिलाने का निर्देश दिया है। कोरोना की वजह से जेडीयू ने भी संक्रांति पर भोज आयोजित नहीं किया है, तो वहीं पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने औपचारिक रूप से संदेश जारी कर इसकी जानकारी दी है। बिहार में दही चूड़ा भोज के आयोजन में आने वाले दिनों की राजनीति के अक्स भी देखे जाते रहे हैं, लेकिन इस बार राजनीतिक कयासों के बीच दही चूड़ा भोज का इंतजार था, लेकिन इस बार की संक्रांति बिना कोई राजनीतिक संकेत दिए जाती दिख रही है।